आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात की राय शुमारी में एनडीए को तकरीबन 295 नशिस्तों का रुझान, इंडिया अलायंस 235 नशिस्तों पर आगे। कौमी मंजर में जनता दल यूनाइटेड और तेलुगुदेशम को बादशाहगर का मौकूफ, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलुगुदेशम की सुनामी, 175 नशिस्तों वाली असेंबली में तकरीबन 165 पर कब्जा, जगन सिर्फ 100 नशिस्तों तक महदूद। तेलंगाना में बीजेपी का शानदार मुजाहरा, 8 नशिस्तों पर कब्जा, कांग्रेस को भी 8 नशिस्तों पर कामयाबी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 3 लाख से ज्यादा वोटों से कामयाब, हैदराबाद की तारीख में रिकॉर्ड कामयाबी। देखते हैं खबरों की तफसील। लोकसभा के लिए इंतखाबात के नतायज की राय शुमारी में एनडीए इत्तेहाद को तकरीबन 292-295 नशिस्तें हासिल हो रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 232-235 नशिस्तों पर कामयाबी के ताहाल रुझान हैं। तमाम सियासी पार्टियों की नज़रें अब जेडीयू के नीतीश कुमार और तेलुगुदेशम के सरबरा नारा चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई हैं, जो कौमी मंजर में बादशाहगर का मौकफ रखते हैं। अगर ये दोनों जमातें एनडीए का साथ छोड़ती हैं तो मोदी की क़यादत में एनडीए को हुकूमत बनाने मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तेलंगाना रियासत की 17 पार्लिमानी नशिस्तों पर भी राय शुमारी का आगाज सुबह 8 बजे ही से कर दिया गया था। आखिरी रुझानात मिलने तक कांग्रेस को 8 नशिस्तें और बीजेपी को 8 नशिस्तों के अलावा कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 1 नशिस्त हासिल हो रही है। पिछले इंतखाबात के मुकाबले बीजेपी का शानदार मुजाहरा तेलंगाना में रहा है, जिसने 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर रही है। नज़रगामी इस अहम खबर के साथ तेलंगाना से जुड़ी दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों में से 8 नशिस्तों पर कांग्रेस और 8 नशिस्तों पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। बाद अजां कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में पार्टी की कामयाबी पर सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव की क़यादत में जश्न मनाया गया और आतिशबाजी की गई, जबकि आपस में मिठाइयां भी तकसीम की गई। दूसरी जानी बीजेपी के पार्टी ऑफिस में बीजेपी को गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात से इस मरतबा ज़ायद 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होने पर बीजेपी महिला कायदीन ने जश्न मनाते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों में एक भी नशिस्त पर बीआरएस को कामयाबी हासिल नहीं हुई, जहां सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव और बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव में मायूसी देखी गई, जबकि नतायज के रोज बीआरएस के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन भी सुनसान नजर आया और एक भी बीआरएस कायद पार्टी ऑफिस में नजर नहीं आया। वाज़ रहे कि कांग्रेस कायदीन बारहा ये दावा कर रहे थे कि पार्लिमानी इंतखाबात के नतायज में बीआरएस को एक भी नशिस्त हासिल नहीं होगी। आंध्र प्रदेश असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात के नतायज में तेलुगुदेशम इत्तेहाद ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। असेंबली में 165 नशिस्तों पर और पार्लिमानी 21 हलकों पर कामयाबी हासिल करने के बाद कौमी सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने अपने अराकीन खानदान, उनकी अहलिया और उनके फर्जन लोकेश के हमरा जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। वाज़ रहे कि वायएसआर कांग्रेस को असेंबली में सिर्फ 10 और पार्लिमानी में 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है।
तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों के नतायज में कांग्रेस ने 8 और बीजेपी ने 8 नशिस्तों पर जबकि एक हैदराबाद पार्लिमानी नशिस्त पर सदर कुलहिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कामयाबी हासिल की। नलगुंडा पार्लिमानी हलके में कांग्रेस उम्मीदवार के रघुवीर ने सबसे ज्यादा 5,69,000 वोट हासिल किए जबकि सबसे कम वोटों की अक्सरियत से महबूबनगर की बीजेपी उम्मीदवार डी के अरुणा ने कामयाबी हासिल की और उन्होंने सिर्फ 3,636 वोटों से कामयाबी हासिल की। कांग्रेस उम्मीदवार और जहीराबाद पार्लिमानी हलके से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश कुमार ने 4,00,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की जबकि पिद्दापल्ली हल्के पार्लिमानी से कांग्रेस उम्मीदवार वंशी कृष्णा ने 1,39,000 से नागर करनोल पार्लिमानी हलके से मल्लू रवि ने 54,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से वरंगल पार्लिमानी हलके से क्रम काव्या ने 2,19,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से महबूबाबाद पार्लिमानी हलके से बलराम नायक ने 3,44,000 वोटों की अक्सरियत से और खम्मम पार्लिमानी हलके से रघुराम रेड्डी ने 4,67,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की। इसके अलावा भुवनगिरि पार्लिमानी हलके से सी किरण कुमार रेड्डी ने 2,22,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। दूसरी जानी बीजेपी ने मलकाजगिरी पार्लिमानी हलके से ई राजेंद्र ने 3,87,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से चेवड़ला पार्लिमानी हलके से विश्वेश्वर रेड्डी ने 1,62,000 वोटों की अक्सरियत से आदिलाबाद से जी महेश ने 84,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके से 49,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से करीमनगर पार्लिमानी हलके से बंडी संजय ने 2,00,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से और निजामबाद पार्लिमानी हलके से डी अरविंद ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इनके अलावा मेदक पार्लिमानी हलके से रघुनंदन ने 1,00,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद की बावखार पार्लिमानी नशिस्त से रिकॉर्ड कामयाबी दर्ज करवाई है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को 6,59,278 वोट हासिल हुए जबकि बीजेपी की माधवी लता को 3,38,797 वोटों से उन्होंने हराया है। मजलिस के हेडक्वार्टर दारुसलाम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जीत का जबरदस्त जश्न मनाया गया और मजलिसी कारकुनों को बाजे की धुनों पर नाचता हुआ भी देखा गया जबकि कायदीन को एक दूसरे से बगलगीर होकर मुबारकबाद पेश करते हुए भी दारुसलाम में देखा गया। आंध्र प्रदेश असेंबली इंतखाबात में तेलुगु देशम ने बेहतरीन मुजाहरा करते हुए जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को चारों खाने छित कर दिए हैं। रोजानात के मुताबिक तेलुगु देशम इत्तेहाद एनडीए जिसमें बीजेपी और जनसेना पार्टी शामिल हैं असेंबली की जुमला 175 नशिस्तों वाली असेंबली में 165 पर कब्जा कर लिया है जबकि लोकसभा की 25 नशिस्तों के मुंजिमला एनडीए इत्तेहाद को 21 नशिस्तें हासिल हो रही हैं। कौमी मंजर पर तेलुगुदेशम सरबराह नाराज चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार का बादशाहगर का मौकूफ है। वो जिस इत्तेहाद के साथ होंगे हुकूमत उसी इत्तेहाद की बनेगी। दूसरी जानिब रियासत आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम की क़यादत में हुकूमत बनना तय है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा इंतखाबात की राय शुमारी में एनडीए को तकरीबन 295 नशिस्तों का रुझान, इंडिया अलायंस 235 नशिस्तों पर आगे।
قومی منظر میں جنتا دل یونائٹیڈ اور تلگو دیشم کو بادشاہ گھر کا موقف، اونٹ کسی بھی کروٹ بیٹھ سکتا ہے۔ آندھرا پردیش اسمبلی میں تلگو دیشم کی سونامی، 175 نشستوں والی اسمبلی میں تقریباً 165 پر قبضہ، جگن صرف 100 نشستوں تک محدود۔ تلنگانہ میں بی جے پی کا شاندار مظاہرہ، 8 نشستوں پر قبضہ، کانگریس کو بھی 8 نشستوں پر کامیابی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی 3 لاکھ سے زائد ووٹوں سے کامیاب، حیدرآباد کی تاریخ میں ریکارڈ کامیابی۔ اسی کے ساتھ روبرو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبرو نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔